بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈز فلکس. جی تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سا چیزی سرپرائز کٹلٹس. جی تو چلے اسے بناتے ہیں. اچھا جی، کٹلٹس بنانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے آف کورس بوائلڈ پوٹیٹوز. ہم بوائلڈ پوٹیٹوز یوز کر رہے ہیں. یہاں پہ میں نے ہاف کے جی پوٹیٹوز بوائل کر کے آلریڈی ایسے رکھ لیے ہیں. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاپڈ انینس، چاپڈ فریش کیبج، چاپڈ کیرٹ. Few green chilies chopped. Fresh coriander. 1 teaspoon white zira. Salt to taste. Red chili powder to taste. क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज भी यूज की हैं तो हम रेड चिली थोड़ी सी कम यूज करेंगे. हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स. ये कोरिएंडर सीड्स है साबुत धनिया, इसको हम हाथ पे ऐसे मसल के फिर इसके अंदर में ऐड करेंगे. चलिए इसके अंदर चले गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स. अब हम इसको एक मैशर की मदद से मैश कर लेंगे. चलिए जी, पोटैटोज जो है वो हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं और सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके अंदर में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं. तो चलिए बनाते हैं अपने चीजी सरप्राइज कटलेट्स. चीजी सरप्राइज कटलेट्स लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ये 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स. अब इसको हमने करना क्या है, इसको हमने कट करना है. ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको यूं राउंड कट कर रही हूँ. नेक्स्ट हमें चाहिए ये मोजरेला चीज. ठीक है जी, मोजरेला चीज को ले लेते हैं. ये आगे जी हमारे पास हमारी जबरदस्त से मोजरेला चीज, और मोजरेला चीज को मैं ऐसे स्मॉल स्क्वायर पीसेस में कट कर लूंगी. चलें जी, यहाँ पे आ गया हमारा जबरदस्त सा पोटैटो मिक्सचर, और यहाँ पे आ गई हमारी जबरदस्त से बॉइल्ड एग्स एंड मोजरेला चीज की सरप्राइज चीजी फिलिंग. तो चलें हम अपने कटलेट्स को बनाते हैं. यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी. पानी में थोड़ा सा अपने पाम में ले लूंगी ताकि ये मिक्सचर जो है वो मुझे हैंड्स पे ना चिपके. यहाँ पे मैं इसे इसको फ्लैट कर लूंगी. बहुत ही इजी और बहुत टेस्टी, यानी कि आपके अच्छा जो टी टाइम स्नैक, अगर आपको शौक है आप अच्छे अच्छे मजे मजे के स्नैक्स बनाए तो दिस इज वन ऑफ The best snacks you can try. अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा पोटैटो मिक्सचर, और उसको मैंने फ्लैट करके और उसके ऊपर मैंने ये एक स्लाइस ऑफ बॉइल्ड एग रख लिया है, और साथ ही मैं रख दूंगी इसके ऊपर मोजरेला चीज, और यहाँ पे मेरे पास है थोड़ा सा चाट मसाला, और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला. ये ऑप्शनल है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने इसी तरह एक और थोड़ा सा पीस लेना है और इसके ऊपर ऐसे रख के इसको हमने प्रेस कर देना, इसके साइड्स को बंद कर देना. इसको राउंड कर लेंगे. अपने ध्यान ये करना है कि जो हमारी चीज है वो इस पोटैटो मिक्सचर से बाहर ना निकले. हमने अच्छे से हर जगह से इसको सील कर देना.
देयर यू गो। ये कितने प्यारा लग रहा है ना अभी से, और ये बनके तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी भी सारे जितने भी कटलेट्स हैं उनको बना के तैयार कर लूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा जी, कटलेट्स फ्राई करने के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे एक स्लरी। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ प्लेन फ्लावर, मैदा। स्लो हमने स्लोली इसके अंदर में हमने ये वाटर ऐड करना है और इसकी हमने एक बिल्कुल मीडियम सी स्लरी सी बना लेनी है, जो इसके ऊपर बहुत ही अच्छी सी कोटिंग कर दें। सर जी, यहाँ पे बन गई हमारी बहुत ज़बरदस्ती स्लरी और अब हमें चाहिए यहाँ पे प्लेन ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे हम वो ले लेते हैं। अब हम अपने कटलेट्स को इस स्लरी में से कोट करके अच्छे से, ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे बहुत अच्छे से, हर तरफ से घुमा के बहुत ही जबरदस्त से ये। इसी तरह हमने अपने बाकी सारे कटलेट्स को भी ऐसे ही स्लरी में डिप करके कोट करके और ब्रेड क्रम्स से कोट करके रख लेना है। जब तक हम अपने कटलेट्स को कोट करते हैं तब तक मैं ऑयल को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। सर जब तक है हमारा बहुत ज़बरदस्त सा हीट अप हो गया है और अब हम इसके अंदर में अपने कटलेट्स को शेलो फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे करेंगे क्योंकि एवरीथिंग इज कुक्ड। हमने इसको बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। वाओ, इतना जबरदस्त इसका गोल्डनिश सा कलर आया। इसमें बस ट्रिक ये है कि आपने इसको डालते साथ ही नहीं हिलाना, इसको सेट होने के बाद इसे टर्न कर देना। And there you go, my zabardast se cheesy surprise cutlets are ready. Ab hum ise dish out kar lete hain. And they are ready. Hamare zabardast se cheesy surprise cutlets are ready. Aap ise zarur try kijiyega aur mujhe zarur batayega ki aapko ye kaise lage. Thank you. Do try this new recipe and let me know in the comment section below. And if you have enjoyed watching this video, do give me a thumbs up and subscribe to my channel Kitchflix for more exciting and easy recipes. You can also connect to me by Facebook and Instagram. Links are given in the description box below. Thank you.